वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग क्लास इक्वेशन अपना आगे कंटिन्यू करते हैं, और पहले मैंने आपको क्लास इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए हैं, और थ्रू आउट मैं ग्रुप थ्योरी के एक एक लेक्चर को कवर कर रहा हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो पूरा प्लेलिस्ट है ना ग्रुप थ्योरी का, वो आप शुरू से देखते आइए तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इससे पहले मैंने क्लास इक्वेशन को से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, क्विकली आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का क्लास इक्वेशन, ये मैंने आपको बताया। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे ये देखेंगे कि हम लोग अगर हमारे पास में अगर कोई परमोटेशन या कहो कि साइमेट्रिक ग्रुप है जो एस एन के फॉर्म का होता है, ठीक है, इसका क्लास इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका भी क्लास इक्वेशन बहुत सिंपल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें एस थ्री का, आपको लिखना हो तो एस थ्री का बस देखते ही आप लिख सकते हो कि एस थ्री का क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 2, ठीक है। अब मैं इतना जल्दी कैसे लिख दे रहा हूँ, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। काफ़ी सिंपल है, आप इसको पहले पढ़ चुके हैं परमोटेशन ग्रुप को। तो देखिए, होता क्या है कि जो जैसे मैं एस थ्री की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ एस थ्री क्या होता है, तो आपको पता है कि इसमें फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसका क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो 6 को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना होगा, ठीक है, इंटीजर्स में, कि टोटल 6 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने स्प्लिट किया है 1, 3 और 2 में, तो ऐड करने से 6 आ जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से क्लास इक्वेशन आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने ये लिखा कैसे, तो हम लोगों को पता है कि एस थ्री के पास में कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्डर वाइज, ठीक है, तो एस थ्री के पास में एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है जी। उसके बाद 2 लेंथ का साइकिल होता है, 1, 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है। और उसके बाद 3 लेंथ का साइकिल होता है, 1, 2, 3 एंड 1, 3, 2, ठीक है। अगर हम बात करें एस थ्री के पास में तो इतने ही एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट जो है आप देख रहे हैं 1 ऑर्डर का है, 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 एलिमेंट ऑफ 1 ऑर्डर, जो कि आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर, जो कि 2 ऑर्डर के हैं, ठीक है, या कह सकते हो कि 2 लेंथ का है, और आपके पास में 2 एलिमेंट है जो कि 3 ऑर्डर का है, 2 एलिमेंट्स ऑफ 3 ऑर्डर। तो हम लोग को इस वहाँ पे कुछ करना नहीं होता है, मतलब एक तरह का एक लेंथ के साइकिल का जो एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, कह सकते हो कि ये 1 लेंथ का है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम लोग क्या किए, इसके पास में चूंकि एक ही एलिमेंट है तो 1 लेंथ का 1 हो गया। फिर इसके बाद में जो 2 लेंथ है, तो 2 लेंथ का 3 एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, 2 लेंथ का 3 साइकिल है, तो 2 लेंथ का 3 साइकिल है तो उसका टोटल क्वांटिटी 3 हो गया, और 3 लेंथ का 2 साइकिल है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 हो गया। तो बस कुछ करना नहीं है आपको, बस ये देखना है कि डिफरेंट जो लेंथ के साइकिल्स हैं, ठीक है, जो भी उसमें प्रेजेंट हैं, तो हमको उसका बस सम निकाल देना है, आपको क्लास इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है कि जो क्लास इक्वेशन होता है, क्लास इक्वेशन ऑफ एस एन, ऑफ एस एन वो क्या होता है, वो होता है ये कि ऑर्डर ऑफ एस एन इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू सम ऑफ कार्डिनालिटी ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेट और सिमिलर क्लासेस ऑफ एस एन, ठीक है। मतलब क्या कि आप एस एन में देख लीजिएगा कि अलग अलग कितना क्लास बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, एक क्लास ये है जिसमें एक ऑर्डर का एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ होता है, ठीक है, बाकी जितने भी 2 लेंथ के साइकिल हैं वो एक क्लास में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और जो 3 लेंथ का साइकिल है वो एक क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं डिफाइन करूंगा कि कंजुगेट और सिमिलर क्लास हम लोग एस एन में किसको बोलेंगे, लेकिन जितना भी कंजुगेट क्लास बनेगा, जैसे यहाँ पे 3 तरह का कंजुगेट क्लास बन रहा है, तो ये जो बन रहा है इन तीनों का हम लोग देख लेंगे कि अगर सेट वाइज बात करें तो इसमें एक एलिमेंट है, इसके सेट में 3 एलिमेंट है, इसके सेट में 2 एलिमेंट है, तो उन सारे सेट्स, ठीक है, जो दो डिफरेंट क्लासेस बन रहे हैं उनकी जो कार्डिनालिटी है, ठीक है, उसका सम निकाल दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्लास इक्वेशन मिल जाएगा। बस इतना ही कुछ करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कुछ क्विक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे S4 की बात करें, ठीक है। तो S4 में आप देखोगे कि ऑर्डर ऑफ S4 क्या होता है जी, तो ऑर्डर ऑफ S4 होता है फैक्टोरियल 4, ठीक है, यानी आपका इसमें कितना एलिमेंट होता है, 4 × 3 × 2, 24 एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है, जिससे 4 के पार्टीशन से आप पता कर सकते हो कि कैसे कैसे इसमें क्लास के एलिमेंट होते हैं, तो 4 का पार्टीशन क्या होगा, ठीक है, अगर हम पार्टीशन की बात करें तो, चूंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पार्टीशन जो होता है 4 का, एक तो 1, 1, 1, 1 होगा, ठीक है, फिर 1, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है जी,
टू टू ले सकते हैं, वन थ्री ले सकते हैं, ओके फोर ले सकते हैं, राइट और तो कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये तीन आप देख रहे हो, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, पांच तरह का पार्टीशन है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका पांच जो है आपका कंजुगेट क्लास बनेगा, कह सकते हैं, ठीक है, फाइव कंजुगेट क्लासेस। अब इन सबको मेरे को अलग अलग करना है, ठीक है। तो फाइव कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालना जानते हो, चाहे तो आप इसको भी निकाल लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन ऑर्डर का बन रहा है, तो इस वन ऑर्डर में इसमें कितना एलिमेंट आएगा, तो तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल फोर लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड कर देंगे हम लोग, चूंकि वन को फोर टाइम लिया गया है, तो वन का पावर फोर और इंटू जो पावर है उसका फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वन का पावर फोर तो वन ही बचेगा। और हमको पता है कि वन 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 से आपको आइडेंटिटी मिलता है, तो वो वन ही होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका बात करें दूसरे वाले का, तो कैसे करेंगे, तो फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई, अभी यहाँ पे देखो वन वन और टू है, तो वन आपका टू टाइम है, तो क्या करेंगे, वन का पावर टू लेंगे और जो पावर होता है उसका फैक्टोरियल लेते हैं, ठीक है, फिर टू का पावर वन लेंगे, तो वन का फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, है ना, आराम से बिल्कुल करना है। तो अब देखोगे यहाँ पे फैक्टोरियल टू अगर आप इसे खोलोगे तो ऐसे हो जाएगा फोर थ्री और फैक्टोरियल टू, नीचे में आपका क्या है, फैक्टोरियल टू इंटू टू, तो ये टू टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और टू टू जा फोर, तो यहाँ पे आपको सिक्स एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस क्लास की बात करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई, अब दो है, दो को दो टाइम्स लिखा गया है, तो टू का पावर टू लिख लेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल टू। अब यहाँ पे देखोगे तो फोर थ्री और फैक्टोरियल टू, नीचे भी फोर और टू आ रहा है, ठीक है, ये फोर फोर कैंसिल हो रहा है, टू टू भी कैंसिल, आपका सिर्फ थ्री बच रहा है। अगर हम इसका देख ले तो क्या होगा, फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई वन और थ्री है, तो वन का पावर भी वन, थ्री का पावर भी वन, ठीक है, तो सिंपली ये अगर आप लोग खोलेंगे तो फोर थ्री टू और नीचे में आपका थ्री, तो थ्री थ्री कैंसिल हो गया, फोर टू जाए एट। इसका देखेंगे तो इसमें सिंपली क्या है, फैक्टोरियल फोर बाई फोर बनेगा, चूंकि सिर्फ फोर ही है वन टाइम, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि वन और सिक्स सेवन, थ्री टेन, टेन और एट 18, 18 और 6, 24, तो टोटल 24 मिल जा रहा है। बस आप चाहो ना तो क्लासिफिकेशन यहीं पे लिख सकते हो, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो क्या, देयरफोर क्या, इधर 24 होगा, ठीक है, और क्या बन रहा है, 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है जी, ये बनेगा बस, ओके। तो कितना सिंपल है लिखना, बस आपको ये जो फिगर आ रहा है कि कितनी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक जो आपका कंजुगेट क्लास है उसमें कितना एलिमेंट है, तो इसमें वन आया, इसमें सिक्स आया, इसमें थ्री, इसमें एट, इसमें सिक्स, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए और ऐड करके देख लीजिए, वेरीफाई हो जाएगा कि यहाँ पे आपको टोटल 24 ही मिलता है, ठीक है। तो काफी सिंपल हो जाता है लिखना, और थोड़ा इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये जो ऑर्डर ऑफ एस फोर है वो क्या होगा, क्लास लेंथ ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस, डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस भी लिख सकते हैं या इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, कंजुगेट क्लासेस इन SN, ठीक है, मतलब SN में जो अलग अलग तरह का कंजुगेट क्लास बनेगा उसका क्लास लेंथ, ठीक है। तो अब कौन कौन सा बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो बनेगा आपको वन ऑर्डर का, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, प्लस फिर आपका जो टू लेंथ का बन रहा था, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो क्लास ऑफ वन टू, इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, फिर जो तीन लेंथ का बन रहा था क्लास ऑफ वन टू थ्री, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस जिसमें आपको दो दो का दो बन रहा था, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्लास ऑफ वन टू टू थ्री, इस तरह का जो भी एलिमेंट आएगा सब एक क्लास में होगा, और आपका एक बच गया फोर वाला, तो आप इसको लिख सकते हो क्लास ऑफ वन टू थ्री फोर, ठीक है, इसको सम कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक ही एलिमेंट था, ठीक है, वन टू वाले में कितना एलिमेंट आया था सब आप देख चुके हो अभी, तो वन जो दो लेंथ का है, ठीक है, इसमें हम लोगों का यहाँ पे कितना एलिमेंट आ रहा था, सिक्स, ठीक है, फिर इसमें हमारा थ्री, फिर इसमें एट, तो यहाँ पे इसका सिक्स बन रहा था, इसका एट बन रहा था, इसका थ्री बन रहा था, और लास्ट वाले का भी आपका सिक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको टोटल जो है जो फाइव तरह के जो क्लासेस बन रहे थे, तो उनका यहाँ पे टोटल लिख दिया गया कि इसमें कितना एलिमेंट है। अब सम अगर आप सम करोगे तो देखोगे सेम आ जाएगा आपका सेवन और एट फिफ्टीन और थ्री एटीन और सिक्स 24, तो 24 को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इस तरीके से क्लास इक्वेशन लिखना काफी सिंपल है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे मान लो एस फाइव का करना है, अगर एस फाइव का लिखना है तो ऑर्डर ऑफ एस फाइव क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ एस फाइव हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव, ठीक है, फाइव फोर
3 2, तो 120। ओके, इसमें 120 एलिमेंट होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट अगर कर दिया जाए तो एक आपका आता है वन वन का पार्टीशन बनेगा, ठीक है। तो वन वन का जो पार्टीशन बनेगा 5 के लिए, यहाँ पे कितना एलिमेंट आ जाएगा, तो वन ही एलिमेंट आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, वन एलिमेंट होता है ऐसा, वनली वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अगर हम लोग दो का बात करें तो इसमें 1, 2 और 2, ठीक है। इससे आपको 2 का मिल जाएगा, तो उसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 5/1 का पावर 1 है, 2 का पावर 2, फैक्टोरियल 2, ठीक है जी। तो अगर आप खोलोगे तो 5, 4, 3, 2, तो नीचे आपका देख लो यहाँ पे 4 और 2 आ रहा है, तो 4, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 15 एलिमेंट। ओके, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये बना सकते हैं, ठीक है, 1 और 3, 1 1 3 बना लेंगे, तो 1 1 3 बनाएंगे तो इसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा, फैक्टोरियल 5/1 का पावर² फैक्टोरियल 2 और 3। तो अगर हम लोग देख लें तो 5, 4, 3, 2, नीचे भी आपका 2, 3 आ रहा है। ओके, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका 20 एलिमेंट। और इसका पार्टीशन देख लो, जो भी पॉसिबल पार्टीशन होते हैं मैंने सब आपको बताया हुआ है, उससे आपको काम कर लेना है, ठीक है। जैसे 1 1 1, अच्छा इसमें तो ये जो आ गया ना, ये आपका 2 2 वाला आया है, ठीक है। मतलब इसका जो टाइप है वो क्या है, ये ABCD ऐसा है ना, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है। तो अगर दो ऑर्डर की बात करें तो दो ऑर्डर वाला देखो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 2 ऐसा बनेगा, ठीक है। इससे 5 आ जाएगा, इसमें कितना एलिमेंट होगा, इसमें होगा आपका फैक्टोरियल 5/1 का पावर 3 फैक्टोरियल 3 और 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 4 3 2, ठीक है। और नीचे आपका देखो ये 3 2 बन रहा है और 2, तो 3 2 3 2 और 2 2 4, यहाँ पे आपको 10 एलिमेंट आएगा। ये जो टाइप है ना, ये आपका AB वाला है, ठीक है, जिसमें हमारा 2 लेंथ का साइकिल होता है। इसमें 3 लेंथ का साइकिल होगा, ये ABC वाला टाइप है, ठीक है, और ये आपका आइडेंटिटी वाला टाइप है। ओके, और कौन कौन सा पार्टीशन यहाँ पे होगा उसको भी लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक 2 3 होगा, तो 2 3 होगा तो इसमें ऐसा मिलेगा AB और CDE, एक 2 लेंथ का और एक 3 लेंथ का, ठीक है। इसका देखेंगे तो 5/2 का पावर 1 3 का पावर 1, तो यहाँ पे आपका 2 3 कट रहा है अगेन, तो यहाँ पे भी आपको 20 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे और देख सकते हो कौन सा बच गया, और तो 1 4 बच गया है। 1 4 का मतलब है कि एक आइडेंटिटी होगा, ठीक है, और एक आपका 1 2 3 4 इस तरह का होगा, 4 लेंथ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, तो 1 × 4 ही होगा, तो 4 4 कटेगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 30 आएगा ना, ऊपर में क्या बच जाएगा, 5 3 2। ओके, तो यानी आपका 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक और बच गया हम लोगों का, वो बच गया 5 वाला, तो 5 वाला जो होगा वो किस टाइप का होगा, तो सिंपली 1 2 3 4 5 ऐसा दिखेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फैक्टोरियल 5/5, तो सब आपका बचेगा क्या, 4 3 2 बचेगा, यहाँ पर 24 एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट का आप सम देख लो कि सम कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप सम देखोगे तो सम हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है जी, इधर देखो क्या था, 1 हो गया, ये 15 हो गया, 16, ठीक है, 36, यहाँ से हो गया आपका 46, यहाँ से हमारा आ गया 66, ये हो गया 96, और ये हो गया आपका 120। तो टोटल जो 120 एलिमेंट था, सारा ही एलिमेंट का आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल गया, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ S5, ठीक है, यानी 120। एक कैसे आ जाएगा क्लास इक्वेशन में, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो एक तो आइडेंटिटी टाइप वाला होगा, ठीक है, फिर इसमें जो है 2 लेंथ का साइकिल होगा, फिर इसमें 3 लेंथ का साइकिल वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, फिर इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 लेंथ 1 2 3 4 इस तरह के एलिमेंट होंगे, फिर इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक 2 लेंथ और एक आपका 3 लेंथ, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट होगा, 3 4 5 डिसज्वाइंट लीजिएगा, ठीक है, जब भी लीजिएगा डिसज्वाइंट लीजिएगा, ठीक है, वरना फिर आपको पता है कि अगर डिसज्वाइंट ना लिया जाए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ओके, तो डिसज्वाइंट लेना जरूरी है, क्योंकि डिसज्वाइंट नहीं लेंगे तो फिर वो आपका कंजुगेट क्लास में नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। चलो ये हो गया प्लस, और इसमें कौन सा होगा, तो 4 लेंथ वाला होगा, 1 2 3 4, ठीक है, और खुद जो है आपका 5 लेंथ वाला होगा, 1 2 3 4 5। तो अब किस में कितना फिगर आया था, तो आइडेंटिटी वाले में तो 1 ही आया था, ठीक है। 2 लेंथ का आप देख सकते हो कितना आया था, 2 लेंथ का आया था 10 और 3 लेंथ का 20, ठीक है। प्रोडक्ट का आपका आया था 15, तो यहाँ पे 10 आया था, ठीक है जी, 2 लेंथ का, फिर 3 लेंथ का आपका, ये देखो 3 लेंथ वाला है ये 20, ये 20 आया था, फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 का 15 आया है, ठीक है, और देख लो यहाँ पे, फिर आपका है
दो का और थ्री का, तो दो का और थ्री का यहाँ पे दिख रहा है 20 आया था, सो इट इज़ 20। फोर लेंथ का हम लोग के पास में 30 आया है ये वाला, और फाइव लेंथ का 24 आया है। अगेन आप सम करेंगे तो आप देखिएगा 120 ही आएगा। आप देख सकते हैं अगेन 11, ठीक है, 31, 46, 66, 96 और 120। इस तरीके से क्लास इक्वेशन लिखना तो मुश्किल नहीं है, अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंजुगेट एलिमेंट्स की, ठीक है, या सिमिलर एलिमेंट्स की, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर परमुटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने लिख दिया है परमुटेशन सिग्मा एंड टाउ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में दो परमुटेशन है एस एन का, सिग्मा और टाउ, ओके। तो ये दोनों जो परमुटेशन है ये आपस में सिमिलर कहा जाएगा कब, इफ सिग्मा एंड टाउ हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन, यानी जिस तरीके से सिग्मा को डिकम्पोज किया गया है, ठीक है, जिस जिस लेंथ में, तो लेंथ जो है साइकिल का सेम होना चाहिए और डिकम्पोजिशन भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर सिग्मा और टाउ दोनों का अगर सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है तो सिग्मा और टाउ जो है दोनों मेरा सिमिलर परमुटेशन कहलाएगा एस एन का, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट इज दे हैव डिसज्वाइंट क्लासेस डिकम्पोजिशन ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। तो ये डिसज्वाइंट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको डिकम्पोजिशन के लिए तो जरूरी है ना कि डिसज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी डिकम्पोजिशन होगा वो डिसज्वाइंट होगा और सेम लेंथ का हो। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो मैंने सिग्मा लिया है 1, 2, 1, 3, अच्छा ये तो मतलब थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, 1, 2 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3, 4, ठीक है, चूंकि डिसज्वाइंट होना जरूरी है ना, 1, 2, 3, 4, ओके, 1, 2 एंड 3, 4, ये तो 1, 2, 3, 4 लिया, तो ये डिसज्वाइंट है जी, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब मैंने इधर टाउ ले लिया है 1, 3 और 2, 4, ये भी डिसज्वाइंट है, ठीक है। और दोनों अगर देखिएगा तो दो दो लेंथ, ठीक है, यहाँ पे भी दो लेंथ का साइकिल है और दो लेंथ का साइकिल है, ठीक है। तो इसका डिकम्पोजिशन भी 2, 2 लेंथ में है और इसका भी जो डिकम्पोजिशन है वो 2, 2 लेंथ में है, ठीक है। तो दोनों का डिकम्पोजिशन भी लेंथ भी सेम है और दोनों डिसज्वाइंट है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि सिमिलर परमुटेशन है, ठीक है, एस एन में। इसी तरीके से नीचे देखो, यहाँ पे देखो 1, 2 है और 3, 4, 5 है, ठीक है, तो दोनों डिसज्वाइंट है, कोई कॉमन नहीं है, और 2 लेंथ है और 3 लेंथ है, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा तो 1, 3 और 2, 4, 5 डिसज्वाइंट है और 2 लेंथ है और 3 लेंथ है, यानी लेंथ भी सेम है डिकम्पोजिशन का और डिसज्वाइंट भी है, तो ये दोनों फिर से क्या कहलाएगा मेरा, सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। जबकि नीचे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही में लिए हैं, एक साइकिल में लिए हैं, जबकि यहाँ पे दो अलग अलग साइकिल है, ठीक है, तो ये तो फिर सिमिलर नहीं हुआ। तो साइकिल का डिकम्पोजिशन भी सेम होना चाहिए और लेंथ भी सेम होना चाहिए, देन हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और डेफिनेशन से समझने के लिए एक डेफिनेशन भी देख लीजिए इसका। देखो यहाँ पे डेफिनेशन रिजल्ट है, ठीक है, कि आपका जो दो परमुटेशन है सिग्मा और टाउ, ठीक है, इन एस एन आर सिमिलर, ये सिमिलर परमुटेशन होगा कब, इफ इफ एंड ओनली इफ सिग्मा एंड टाउ हैव कंजुगेट टू इच अदर इन एस एन, ठीक है। दोनों क्या होना चाहिए, कंजुगेट होना चाहिए एक दूसरे का। तो एक दूसरे का कंजुगेट होने का डेफिनेशन क्या है, यानी कि आपको एक मैपिंग मिलना चाहिए, एक परमुटेशन एफ मिलना चाहिए फ्रॉम सिग्मा टू टाउ सच दैट के ये रिलेशन मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, ये कंपोजिशन एफ सिग्मा एफ इनवर्स इक्वल टू टाउ। तो ये कंजुगेट एलिमेंट के हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो कोई एलिमेंट ए है वो बी के कंजुगेट कब होता है, जब हम लोग ये देखते हैं कि सी ए सी इनवर्स क्या होता है, बी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे वही बात है, अनदर कोई परमुटेशन लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, सिग्मा से टाउ तक, और वो क्या होगा, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा और टाउ आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इसको भी आप जैसे वेरीफाई कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक जो है जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इन एस फाइव ले लेते हैं, ठीक है, एस फाइव में सपोज करो मैं ले लेता हूँ सिग्मा ले लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, टाउ ले लेता हूँ मैं 1, 3, 2, 4, 5, ओके, दोनों अलग अलग है, और मैं एक एफ ले लेता हूँ, एफ मैं डिफाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं 1, 3, 2, 5, 4, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ एक्चुअली क्या है, एफ मेरा जो है वो है मेरा 2, 3 एक साइकिल बना हुआ है, देख सकते हैं 2, 3, 3, 2, ठीक है, और 4, 5 का एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है जी। चलो तो ये अब ये देखते हैं कि ये मेरा काम कर जाएगा अगर मैं यहाँ पे एफ इनवर्स लिखूँ, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपली उलट जाएगा, ये 4, 5 हो जाएगा और 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे जैसे मेरा क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो एफ सिग्मा एफ इनवर्स, ठीक है, तो एफ क्या है मेरा 2, 3, दिस इज 2, 3,
4 5, ठीक है, ये है हमारा एफ, एफ देख पा रहे हो, ये एफ था, ठीक है जी। अच्छा सिग्मा, सिग्मा क्या आया है, सिग्मा हमारा आया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एफ इनवर्स, एफ इनवर्स मेरा आ गया है 4 5 2 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 5 और 2 3, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जगह ले लेते हैं, 4 5 और आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 3। चलो अब ये है कि हमको देखना है कि इसका वैल्यू जो है, ठीक है, अगर इसका हम प्रोडक्ट निकाल लें तो क्या ये टाउ के बराबर आएगा, देख लीजिए, ठीक है, निकालिए प्रोडक्ट, कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट, तो हम लोग शुरू करते हैं राइट साइड से ना, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाते हैं, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट मोस्ट जो मेरा है, तो यहाँ पे 1 का 1 है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, तो 1 का 1, ठीक है जी, 1 का 1, 1 का 1, यहाँ पे वो देखो 1 का 2 हो गया, 2 का 2 और 2 का 3, तो 3 आ गया। अब 3 पे चलो, तो 3 की 2, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ, बताया हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, 3 का 2, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 1, 1 का 1, 1 का 1, यानी 1 पे क्लोज हो गया, ठीक है, तो 1 3 आ गया। अब स्टार्ट करते हैं 2 से, चलो 2 से स्टार्ट करो, तो 2 का 3, 3 का 3, 3 का 4, 4 का 4, 4 का 5, 5 का 5, तो 5 आ गया, 5 को ले लो अब, 5 की 5, 5 का 4, राइट, 4 का 5, 5 का 5, 5 का 4, 4 का 4, तो 4 आ गया। 4 से स्टार्ट करो, 4 का 4, 4 का 5, 5 का 3, 3 का 3, 3 का 3 एंड 3 का 2, तो आपका 2 पे आके क्लोज हो गया, तो 1 3 2 4 2 5 4 आया है, ठीक है, एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पे, तो 1 3 2 5 4, ओके। तो यहाँ पे जो से लिखा हमने लिया था ना, देखो एक चीज़ जान लो कि ये इफ जो है कोई जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, तो मैंने पहले मैं टाउ को यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, टाउ को मैं ले लेता हूँ 2 5 4, ठीक है, बस दिखाने के लिए, वैसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, 2 5 4, मैं आपको समझाता हूँ अभी, तो चलिए अभी तो सेम आ गया बिल्कुल, तो मतलब अभी इस केस में क्या है, सिग्मा और टाई आपका क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जो शुरू में लिए थे वैसे नहीं, असल में क्या है ना कि इफ यहाँ पे यूनिक नहीं होता है, मतलब आप इफ थोड़ा मोड़ा चेंज करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक परमुटेशन मैपिंग मिल जाएगा जो पहले आप लोग टाउ लिए थे, जैसे 2 4 5 भी अगर हम लेते हैं तो 2 4 5 के लिए भी हमको इफ मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। अभी तो मैंने एक जनरल इफ लिया था, ठीक है, और बस चेक कर रहा था, तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आपको कोई ना कोई इफ जरूर मिलेगा, ठीक है, सिग्मा और टाउ तक, जिससे आप ये रिलेशन को बिल्कुल अच्छा आसानी से सेटिस्फाई करा लोगे। तो ये मैं कह रहा था कि अगर आप डेफिनेशन से देखना चाहते हैं तो डेफिनेशन से आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, तो इस केस में ये दोनों सिमिलर एलिमेंट होगा, और अगर आप सिंपल पहचानना चाहते हो तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से पहचान सकते हो, बस आपको ये देखना है कि जो डिकम्पोजिशन है, ठीक है, वो आपका पहले तो एक जैसा एक पैटर्न पे होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए और सेम लेंथ का होना चाहिए, अगर सेम लेंथ का डिकम्पोजिशन है, ठीक है, तो आप दोनों को सिमिलर बोलेंगे। और बिल्कुल मोटी मोटी बात यह है कि एसएन में इन जनरल क्या होता है, जो आप पार्टीशन करते हो तो एक तरह का जो पार्टीशन होता है, ठीक है, तो उसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं सारे क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दिया, अभी इसमें बहुत कुछ देखना बाकी है, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, बट जो क्लास इक्वेशन का जो बात हो रहा था, तो क्लास इक्वेशन देख लो एसएन का लिखना काफ़ी ईजी है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी और सारी बातें आएंगी, जो A3 के केस में AN के केस में चेंजेस आते हैं वो भी देखने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आगे लेक्चर भी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी लेक्चर आप मिस मत करना, ठीक है, वन बाई वन सबको देखते जाओ, बहुत मजा आने वाले मजा आएगा, मैं आपको CSIR नेट के स्टूडेंट तक की सारे ग्रुप अच्छे से कराने वाला हूं, ठीक है। और देखो मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ना चाहते हो, पूरी तैयारी करना चाहते हो झारखंड PGT की या किसी PGT TGT की, ठीक है, या CSIR नेट की, तो आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए, थैंक यू वेरी मच।